मुरलीगंज थाना ने मसाला व्यवसायी लालू बंडल गोलीकांड में मुख्य आरोपी सहित तीन अपराधियों को गिरफ्तार करने के मामले में डीएसपी अजय नारायण यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 30 अगस्त को समय करीब 4 बजे दिन में लालू मंडल मसाला व्यवसायी पेशर छोटी मंडल कलहोता टोला गरहरा वार्ड नंबर 5 थाना ग्वालपारा आर ओपी को उस समय गोली मारकर जख्मी कर दिया गया जब वे मोटरसाइकिल से अपने गाँव से बेलो चामगढ़ जा रहे थे। यह घटना पोखरा धार मुसहरी के पास घटी थी। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जाता है। इस संदर्भ में लालू मंडल द्वारा मुरलीगंज थाना कांड संख्या 360/23 दिनांक 1/9/23 धारा 307/326/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज कराया गया था। कांड के अनुसंधान एवं संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मुरलीगंज थाना ने छापेमारी कर गुरुवार को इस घटना के मुख्य शूटर चंदन ऋषिदेव पेशर श्री चंद्र ऋषिदेव साकिन पोखराम धार मुसहरी थाना मुरलीगंज को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनसे पूछताछ की जा रही है एवं उसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। वहीं गुरुवार को ही मुरलीगंज थाना को सूचना प्राप्त हुई कि टपरा नहर पुल के पास 2-3 अपराधकर्मी अपराध करने की योजना बना रहे हैं। सूचना के बाद मुरलीगंज थाना टपरा टोल नहर पुल के पास पहुंची तो एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक पुलिस वाहन को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे पुलिस बल के सहयोग से 2 युवक को पकड़ा गया तथा एक युवक भाग गया। पकड़ाए दोनों युवक का नाम पता रोहित कुमार पेशर रामेंद्र प्रसाद यादव साकिन पाखिलपार वार्ड नंबर 1 थाना मुरलीगंज जिला मधेपुरा एवं अरविंद कुमार पेशर स्वर्गीय किशुनदेव शाह साकिन मोहरिया वार्ड नंबर 11 थाना जानकीनगर जिला पूर्णिया है। भागने वाला व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसका नाम आशीष कुमार संजय यादव साकिन पकीरपार वार्ड नंबर 1 थाना मुरलीगंज बताया। विधिवत पकड़ाए दोनों व्यक्ति की तलाशी ले जाने पर रोहित कुमार के पास से कमर में खुसा हुआ एक लोहे का देसी कट्टा जिसमें एक जिंदा कारतूस मिला। जींस के पेंट के जेब से भी एक जिंदा कारतूस एवं एक मोबाइल था तथा अरविंद कुमार के पास से उसके हाफ पेंट के जेब से पुड़िया में लिपटा मादक पदार्थ स्मैक वजन 5 ग्राम तथा दूसरे जेब से पीने वाला सिल्वर रंग का 2 पीस छोटा रेपर बरामद हुआ। दोनों से सघन पूछताछ किया जा रहा है। मसाला व्यवसायी हैं जो कि ग्वालपारा थाना के रहने वाले हैं कलोता वो बेलो चामगर आ रहे जो बिल्कुल हमारा जो मुरलीगंज का जो बॉर्डरिंग एरिया है पोखरा मुसहरी वहाँ उनको गोली मार के जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे जो इलाजरत है। इस संदर्भ में हमने कांड अंकित करते हुए अविलंब अनुसंधान प्रारंभ कर किया था और इसके जो मुख्य शूटर हैं चंदन ऋषि थे उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया है और उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और उससे न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कल मुरलीगंज पुलिस को सूचना मिली कि टपरा टोला है वहाँ कुछ अपराधकर्मी जमा है जो कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष मुरलीगंज के द्वारा और कमांडो टीम के द्वारा वहाँ घेराबंदी की गई। वहाँ से 2 अपराधी को पकड़ने में सफलता मिली और एक अपराधी वहाँ से भाग गया। उनके पास से जब सर्च किया गया तो उनके पास से एक देसी कट्टा 2 कारतूस कुछ स्मैक है और एक मोबाइल बरामद किया गया। तो इस संदर्भ में भी हमको पूछताछ कर रहे हैं कि स्मैक कहाँ से लाया था और हथियार कहाँ से लाया था और विस्तृत जानकारी ले रहे हैं तथा इसका अपराधिक इतिहास में हम लोग मसाला व्यवसायी को जो गोली मारा गया था मोटिव क्या था? मोटिव कुछ नहीं था, सिंपल दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई थी और इसी क्रम में जो अभियुक्त है उसके द्वारा गोली चलाई गई। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स लॉ कॉलेज रोड सुभाष चौक इंडियन बैंक के पीछे। अगर आपको दांत रखना है स्वस्थ तो इन चीजों से रहे दूर। चौमिन पिज्जा बर्गर जितने भी स्टिकी चीज है कृपया उनसे दूर रहें।